हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप बताए रिसर्च यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है, तो कहाँ पे जाके उसके लिए आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें google.com ओपन कर लीजिए। इसमें TRISAS यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 आई एस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे आपको इससे रिलेटिव कोई भी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटिव कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको सर्च करना है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं ISPaper.net से रिसर्च यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं TRI यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज ऑन 26 जनवरी 2022। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना, अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइजेस्ट क्वालिफिकेशन, गेट फ्री कॉन्सिप पर क्लिक करना है। इसे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू इस यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फ्री आपको असेसमेंट कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं यू क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज ऑन 26 जनवरी 2022 फॉर PG कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया। तो आपको क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स, तो क्लिक हियर पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिए गए एप्लीकेशन डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज ऑन 26 जनवरी 2022 फॉर PG कोर्सेज, क्लिक हियर टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। इंडियन कैंडिडेट हैं आप तो इंडियन कैंडिडेट पे क्लिक करना है आपको। अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं तो इंटरनेशनल कैंडिडेट पे क्लिक करना है। तो इंडियन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन एप्लीकेशन फ़ी का पे कितना लगेगा वो भी दे दिया गया है। यहाँ पे 1250 रुपीज़ लगेंगे आपका। MA हो चाहे MSc हो चाहे MBA हो चाहे MTech करना हो, जिस भी कोर्स के लिए करना हो तो आपको 1250 रुपीज़ लगेंगे। तो आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो किस कोर्स के लिए आप, किस प्रोग्राम के लिए आप करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे जैसे MBA या फिर MSc या फिर MTech जिसके लिए भी करना हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोशीट, तो प्रोशीट पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स आपका लगेगा और कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स हैं कुछ, परमानेंट एड्रेस डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंट्री का कोड, ST कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर क्या है आपका, ईमेल आईडी क्या है, अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है वो फिल कर लेना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको जेंडर फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो फिल कर लेना है, और यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स देने, करस्पॉन्डेंट एड्रेस डिटेल्स देने हैं। तो आपको एड्रेस यहाँ पे आपका अपना फिल कर लेना है, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन सी सिटी में आप रहते हैं, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर लेना है। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं अगर आपके पास दो एड्रेस हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा। तो अभी यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे दिया गया फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ, आप अपना फ़ोटो अपलोड करना है आपको। तो को कितना होना चाहिए आपको, लेस दैन 100 KB का होना चाहिए आपको। तो और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड में दिया गया 4+2 कितना होता है वो सिक्स यहाँ पे फिल कर लेना है। आपकी इमेज भी जितना भी दिया रहेगा उसको करके आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। सबमिट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको अपना अपलोड फ़ोटो अपलोड करना है। साइज़ यहाँ पे दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेस दैन 100 KB का होना चाहिए। यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, चूज़ फाइल में क्लिक करके आपको अपलोड करना है यहाँ पे फोटो अपना, और यहाँ पे आपको दिया गया है कैप्चा कोड वो फिल कर लेना है, सबमिट पे क्लिक कर लेना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट के ऑप्शन में आपको 1250 रुपीज़ पे करने हैं, तो आप उसको पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।